ये अमाया क्यों आ गई अब सामने? क्योंकि अमाया बहुत ज़्यादा रो रही थी और अभी 900 मीटर में हम पहुंचने वाले हैं, है ना मम्मा? और अमाया को भूखी भी लगी थी ना, तो खाना खाने आ गई सामने। गाइस ये देखिए, वो ऊपर टॉप जो है ना, वहाँ पे चढ़ना है और इतना भीड़ है, आज संडे है इस वजह से। माय गुडनेस, यहाँ पे है पीकॉक टेंपल, जो जैन टेंपल है वो यहाँ पे है और वो ऊपर जाके फिर संडे जाओगे? हाँ, मैं तो जाऊंगी। अमाया को गोद में लेके 450 खा लो अच्छे से। कैमरा पे जाऊंगा, कैमरा। तो गाइज़ हम लोगों ने पार्किंग कर दिया है और अभी हम लोग टेंपल के अंदर आ चुके हैं। तो आते ही सबसे पहले आपको ये स्कल्पचर मिलेगा और उसके बाद ये देखिए पीकॉक टेंपल देखने को मिलेगा। पीकॉक टेंपल के अंदर आप मेडिटेशन कर भी सकते हो, बट वहाँ पे हम थोड़े देर में जाएंगे। उससे पहले हम ये सारे जो स्कल्पचर्स और सारी जो जगह है और एक छोटा सा पार्क जैसा भी जगह है, वो उसके अंदर से हम जाएंगे, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एंड संबित और अमाया भी है यहाँ पे, सो लेट्स सी। अमाया हाय, आजा। ওটা খুলে নাও না মাথা থেকে। हम सबके सर में एक एक हैट है। पार्किंग फीस हम लोगों ने 40 रुपीज पे किया है और ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊपर है मंदागिरी हिल्स, तो वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि संबित को 450 सीरीज नहीं जाना। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज़ समथिंग एल्स। इतना काम और इतना हैप्पी प्लेस है। वैसे हम संडे को आए थे तो बहुत क्राउडेड था, फिर भी मैंने जब मेडिटेशन किया वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के, उसके बाद मेरा मन इतना ज़्यादा शांत और हैप्पी हो गया और मुझे एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस एंड डू सम मेडिटेशन इनसाइड द टेम्पल, या फिर बाहर यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो। और हम जिस दिन गए थे उस दिन वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो बाहर बैठ के मेडिटेशन करना, उसके बाद अमाया के साथ खेलना, वी रियली हैड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल टाइम। और मेरे मन को जो शांति मिली वो तो मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं जब मंदिर के अंदर गई थी उसके बाद भी मैंने मेडिटेशन किया और मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ ना, आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इट इन टू वर्ड्स। Then we went to visit the actual मंदिर। एक्चुअल मंदिर जाने से पहले एक छोटा सा पैसेज जैसा मिलता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरीज देख सकते हो, एंड इट्स एक्चुअली लाइक अ स्मॉल पार्क, मिनी जो वॉकिंग पार्क होता है ना उसके जैसा है। एंड यू कैन एक्चुअली सी द ब्यूटिफुल सीनिक हिल्स और छोटा सा वॉकिंग पार्क ट्रेल आपको देखने को मिलेगा और उससे होते हुए आप इस ब्यूटिफुल से पीकॉक टेम्पल को देखोगे।
और इट्स सो ब्यूटिफुल. सामने जाके आप एक्चुअली देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का, वो इतना सुंदर है. बूम 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 बूम. और गाइस हम लोग हिल के ऊपर भी नहीं जा पाए और लेक भी नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही बहुत देर से, बहुत तेज बारिश. संबित को लग रहा है मैं पागल हूँ. मैं ना इतने ऑफ बीट जगहों पे अभी लेके जाऊंगी ना संबित को. मैंने बीट ऑफ हो जाए वहाँ पे. नहीं बीट कहाँ से ऑफ हुआ, तुमने तो 450 सीरिया तो चढ़ी ही नहीं, ना ही मुझे लेक पे लेके गए. थैंक गॉड मैंने वो प्लान कैंसिल किया था, नहीं तो वहाँ पे आज अभी जो लोग चढ़े हैं रास्ते में अटक गए हैं क्योंकि बारिश हो रही है और वो बहुत स्टीप है. हाँ वो स्टीप है और वो सीरी क्या है ना कि उसको चढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज वो ऐसा सीधा टाइप का है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, बच्चे को लेके बहुत ही मुश्किल है. तो वो इसलिए अच्छा हुआ हम नहीं चढ़े, वरना वहाँ पे अटक जाते ना इस बारिश में. हम लोग अंदर बैठ के आराम से शांति से हमने अच्छे से प्रेयर किया. मुझे लगता है कि ये रोड नहीं था वो वाला रोड. अच्छा अच्छा. और तो वो बहुत अच्छा था, बट हमारा प्लान था कि हम लेक में लेक में जाएंगे, लेक में जाके व्यू एंजॉय करेंगे. बहुत सुंदर व्यू है, लेक व्यू है यहाँ पे. बट प्रॉब्लम हो गई है कि बहुत तेज बारिश आ चुकी है, तो यहाँ से 2 घंटे लगेंगे हमें बैंगलोर पहुँचने में. हमारे घर पहुँचने में 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे, मतलब अगर नॉर्मल स्पीड पे चले तो. हाँ नॉर्मल स्पीड पे चले तो, और थोड़ा सा अगर ट्रैफिक लग गया तो हमारे भी लग जाएंगे. और हम लोगों ने लंच नहीं किया, स्पेशली अमाया ने लंच नहीं किया, सिर्फ केक खाया है तो वही है. तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी चलते ही जाए. अगर सिंगल होते, कोरोना नहीं होता तो बहुत घूम सकते थे, है ना. क्या करें, कोरोना ने सबकी लगा के रखी थी. तो एनीवेज गाइस, तो मैं चलते हैं अभी, चल के दिखाती हूँ मैं कितनी ज़्यादा. ओहो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लेक का क्या व्यू एंजॉय कर सकते थे, मतलब बारिश में भीग के कुछ एंजॉय नहीं होता और हमारा को लेके बारिश में भीगने का कोई मतलब भी नहीं होता है.
और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो हम जाएंगे, है ना, बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से अनटच वाटरफॉल्स है जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं। मुझे तो लगा ये भी इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि ये ऑफ बीट था, मतलब सबको पता नहीं था इसके बारे में, इतना फेमस नहीं है ये। ओ शिट, यहाँ पे इतनी पानी थी गाइस नीचे पूरा इसके, है ना, थोड़ी और देर बाद तो ये पूरा भर जाएगा, तब जा ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा हुआ अभी निकल गए। तो वो क्या हुआ था, मतलब मुझे लगा यहाँ पे भी बहुत कम लोग आते हैं, पहले आते थे बहुत कम लोग, बट अभी शायद सबको पता चल गया है सोशल मीडिया के बदौलत, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रश था आज। और बट एंजॉय किया क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट था, है ना। अभी बारिश आई, इतनी देर तक क्लाउडी था और इतना धूप नहीं था, अचानक से आधे घंटे के लिए धूप शायद निकला होगा, बट उसके बाद से वेदर बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं, रास्ते पे कुछ खाएंगे अगर तो वहाँ पे रुकेंगे, बात करेंगे फिर से, अभी तो चलते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट बैंगलोर पहुँचते पहुँचते बारिश कम भी हो गई थी, बट रास्ते पे हम कहीं और नहीं रुके क्योंकि अमाया को हम घर का कुछ खाना खिलाना चाहते थे क्योंकि पूरा दिन वो भूखी थी। तो जल्दी से घर में आके मैंने उसके लिए खाना बना लिया है। अमाया, you want your food? Oh, okay, sit. This is not spoon, mama.